नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको सीबोरिक डर्मेटाइटिस या डैंड्रफ के बारे में बताऊंगा, इसके क्या कारण है, इसके क्या लक्षण है और होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इसे जड़ से कैसे ठीक कर सकते हो, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सीबोरिक डर्मेटाइटिस, दोस्तों सीबोरिक डर्मेटाइटिस क्या होता है? दोस्तों इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि सर पे डैंड्रफ हो जाता है गर्मियों के दिन में भी, और ये ज़्यादातर जाड़े के दिनों में होता है। और डैंड्रफ के साथ साथ आपके हेड में एक मोटी पपड़ी सी जम जाएगी, और जब भी आप कंघी करोगे तो उसमें से वाइट डस्ट निकलेंगे और इचिंग उसमें बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसा लगेगा कि जैसे आपको घाव हो गया है उसमें से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें से आपको पस का भी फॉर्मेशन होने लगता है, यानी कि जो डैंड्रफ जम जाती है ये एक एक तरह का परत चढ़ जाता है आपके हेयर के नीचे आपके सर में, और जब भी आप कंघी करोगे तो दर्द होगा और इचिंग बहुत ज़्यादा रहती है। हर समय आप सर खुजलाते रहते हो, इसे इचिंग इतनी ज़्यादा होती है इसमें कि आप पूरे दिन इसको खुजलाते रहते हो, और जब भी खुजलाते हो तो आपके बाल से वाइट कलर के उसमें से उसके दाने निकलते रहते हैं, और ये पूरे बॉडी में नहीं होके सिर्फ आपके हेयर एरिया में ही होता है। जैसे आपके सर में हो जाएंगे, आपके दाढ़ी आपके मूंछों में भी ये हो जाता है, बच्चों में भी ये हो जाता है और हर एज के उम्र में भी होता है। और ये ज़्यादातर आपको ठंडे के सीज़न में दिखने को मिलेंगे, यानी विंटर सीज़न में दिखने को मिलेंगे या बरसात के सीज़न में भी हो जाता है। इसके क्या कारण होते हैं? कारण मैं आपको बताता हूँ, ये प्रदूषण के कारण होता है, दूसरा ठंड के मौसम में ये होता है, नमी के कारण होता है, तीसरा ये एक तरह का ईस्ट इन्फेक्शन है, ये एक तरह का ईस्ट होता है जिसके कारण ये हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें इचिंग रहती है, दर्द रहता है, और सर पे एक मोटी परत बन जाती है, वाइटिश ग्रेनिश एलोइश करके एक परत जम जाती है, इसमें से आपको कुछ लिक्विड्स भी निकलते हैं, पस निकलने लगते हैं, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, इचिंग के साथ साथ बर्निंग होगी, और जब भी आप कंघी करोगे तो वाइट उसमें से दाने निकलेंगे और साथ ही साथ बाल बहुत झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, एक एक बार में आपको लगेगा कि सर का सारा बाल टूट गया है और इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अगर समस्या है तो इसका समाधान भी है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज करके इस सीबोरिक डर्मेटाइटिस को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो और मात्र एक सप्ताह के अंदर में इसका आप रिजल्ट्स देख सकते हो। दोस्तों इसे लोकल लैंग्वेज में डैंड्रफ भी कहा जाता है, या इसे कहते हैं या रूसी जम गया है बाल में। तो इसका ओरिजिनल नाम है सीबोरिक डर्मेटाइटिस। दोस्तों इसके होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे तो सबसे पहले आती है वो है थूजा। दोस्तों थूजा में क्या होता है कि सिम्टम्स ये देखने को मिलते हैं कि अगर आप सर आपके सर पे वाइटिस डैंड्रफ करके एक पपड़ी जमी हुई है और उसमें इचिंग रहती है, तो थूजा आप यूज कर सकते हैं 1 mg पोटेंसी में, सप्ताह में एक बार लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में इचिंग के साथ साथ बाल बहुत झड़ते हैं और उसमें जलन भी रहता है, दर्द भी रहता है, तो फॉस्फोरस को 200 पोटेंसी में सुबह शाम 1 वीक तक आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है नेट्रम मयूर। दोस्तों नेट्रम मयूर में अगर ये गर्मी के दिन में भी आपको हो रहे हैं और जाड़े के दिन में भी हो रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो नेट्रम मयूर को आप 200 पोटेंसी में
5 बूंद सुबह शाम एक सप्ताह तक लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। दोस्तों ग्रेफाइटिस का सिम्टम्स ये देखने को मिलता है कि आपके सर में पपड़ी जम जाती है और पपड़ी में से चिपचिपा पानी निकलने लगता है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें पस का फॉर्मेशन हो जाता है और पस आने लगता है। तो उस कंडीशन में ग्रेफाइटिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो पस स्मेल भी बहुत ज़्यादा करता है, आपके बाल में स्मेल बहुत ज़्यादा आने लगेंगे और ऐसा लगेगा कि घाव हो गया है, पूरे सर में लगेगा कि जैसे घाव हो गया है। इस कंडीशन में आप ग्रेफाइटिस को आप 30 पोटेंसी में दो दो बूंद दिन में 4 बार लीजिएगा। एक सप्ताह के अंदर में आपकी जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। दोस्तों जो भी मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई है, और आप जब कभी भी होम्योपैथिक मेडिसिन लें तो अपने सिम्टम्स के अनुसार होम्योपैथिक मेडिसिन को लीजिए, और सिम्टम्स अगर मैच करते हैं तो मेडिसिन 110% वर्क करती है। अगर सिम्टम्स मैच नहीं करेंगे तो मेडिसिन का असर कम होता है और आपको लगेगा कि मेडिसिन शायद फ़ायदा नहीं कर रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये थे सारी जानकारी सिबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में। दोस्तों अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो 9534496107 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो या मुझसे आप बात भी कर सकते हो। दोस्तों अगर मेडिसिन होम डिलीवर करवाना चाहते हो तो जो नंबर मैंने आपको बताया है 9534496107 पे, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हो या आप व्हाट्सएप पे अपनी जानकारी दे सकते हो। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई बीमारी के बारे में जानकारी लेनी है उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज मैंने आपको सिबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पब्लिश करूं तो आप उससे देखें सुने और लाभ उठावे। साथ ही साथ बगल में एक शेयर का ऑप्शन होगा, उसे आप शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को इस वीडियो के बारे में जानकारी मिले और उन्हें इसके बारे में फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सुखी होंगे। फिर मिलूंगा कल नए वीडियो नए टॉपिक्स का, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।